लेकिन यह कि इमाम महदी की हुकूमत कायम करने के लिए कौन लोग आएंगे? अरब जो है वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, अय्याशी ने, दौलत ने, पैसे ने, दौलत, पैसा, अय्याशी, उसकी वजह से खोखले हो चुके हैं। यहां मैं आपको दो हदीसें सुनाना चाहता हूं। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से रजी अल्लाह तआला अन्हु, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم اكرم العرب فرسا واجوده سلاحا يويد الله بهم الدين رواه ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه। जब मलाहिम का दौर शुरू होगा तो अल्लाह ताला उठाएगा एक लश्कर या लश्करों पर लश्कर मवाली में से। मवाली कौन है? अरबों ने जब फतह किया था इस पूरे इलाके को खिलाफत राष्ट्र के दौरान, और फिर वो लोग जो है, एक राय तो ये थी कि इन्हें गुलाम बनाया जाए सारी आबादियों को, लेकिन ये कि हजरत उमर का इज्तिहाद था उसके मुताबिक जो उनको गुलाम नहीं बनाया गया तो वो मवाली की हैसियत रखते हैं। अरबों में दम नहीं है, मवाली में से लश्कर उठेंगे कि जो दर हकीकत हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगे। दूसरी हदीस सुनिए, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये इब्न माजा की रिवायत है, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه। लश्कर निकलेंगे, लोग आएंगे मशरिक से और वो हजरत मेहदी की हुकूमत को जमाएंगे और कायम करेंगे। अब जरा नोट कीजिए कि जजीरा नुमाए अरब के मशरिक में कौन से मुल्क हैं? तीन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये तीन सॉलिड मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम आबादी अक्सरियत। वैसे तो ये कि आगे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन वो 20 करोड़ जो है वो तो 80 करोड़ के अंदर तहलील हो जाते हैं गैर मुस्लिमों में, लेकिन यहां जो मामला है ये खालिब अक्सरियत का। इनमें से ईरान का मामला जहां तक है नंबर एक ये कि वो शिया अकायद के हिसार में बंद है, उससे इधर उधर होना उसके लिए मुमकिन नहीं। हदीस में यह भी आता कि इस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे, लेकिन बहरहाल खुरासान एक सूबा है अफगानिस्तान का इस वक्त भी शिमाल मशरकी कोने में, मुझे उम्मीद है वहां से खैर की, क्योंकि खुरासान का लफ्ज वहां पे शामिल है और हुजूर की हदीस में बाद में आपको सुनाऊंगा कि खुरासान से फौजें चलेंगी जो यरूशलम को दोबारा हासिल करेंगी, फतह करेंगी, जैसे पहले यरूशलम खोया अरबों ने था, दोबारा हासिल किया था कुर्द ने, कुर्द खून, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे अब फिर अरबों ने खोया है, लेकिन लेने वाले खुरासान से लश्कर आएंगे। या खुरजो मिन खुरासान राया तो सूद ला यरुद्दुहा शयुन हत्ता तुन सबब एलिया, खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे जिनके रूह को कोई मोड़ नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलम में नस्ब न हो जाए। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का, यह है मेरी और आपकी दास्तान, और यह है सबब जिसकी वजह से कि मैं आपसे यह गुफ्तगू कर रहा हूं। असल में तो किस लिए, महज एक इल्मी इस्तेफादा, महज अपनी बात आरा को जाहिर करने का शौक नहीं, बल्कि यह कि अपनी जिम्मेदारी हम पहचाने कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। देखिए, इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना मिल्ली में, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मुझे बताया गया कि सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती है, अगरचे मुझे वो हदीस अभी नहीं मिली है, लेकिन हिजब तहरीर का एक कार्ड मुझे मिला था तो उसमें इस हदीस का और उसमें इब्ने दाऊद अबू दाऊद का रिवायत का हवाला मौजूद था। लेकिन मैं जो चीज आपको बता चुका हूं वो ये कि अल्फ सानी का पूरा तजदीदी कारनामा इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ। मुजद्दद अल्फसानी, शेख अहमद सरहंदी, शाह वलीउल्लाह देहलवी, सैयद अहमद बरेलवी, वो तो हमारे पाकिस्तान में आकर जो है उनका खून जज्ब हुआ अर्ज पाकिस्तान। फिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, तहरीक खिलाफत चली तो सिर्फ हिंदुस्तान में चली और कहीं नहीं चली। आजादी की तहरीक चली पूरी दुनिया में, वो नेशनलिज्म की बुनियाद पर चली, मले नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म, टर्क नेशनलिज्म, हमारे यहां चली तो इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर पाकिस्तान कायम हुआ मोजज़े के तौर पर, बल्कि नाजिल हुआ है लैलतुल कद्र में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, जैसे कुरान नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में, ये पाकिस्तान भी नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में।
इसका बरकरार रहना अभी तक मौजजा है। हिंदू यह समझता था, कांग्रेस समझते थे कि झटपट खत्म हो जाएगा। फिर यह कि इसका करारदाद मकासद का पास हो जाना, मजीद भी और इजाफी दफा दस्तूर में आ जाना, अब कमर्शियल इंटरेस्ट को रिबा करार देकर हराम करार देना, ये सारे लैंडमार्क्स हैं कि जो इशारा कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, मामला किधर जा रहा है। फिर ये कि ये जो 14वीं सदी के मुजद्दिद थे शेखुल हिंद, उसके बाद से कुछ ऐसी शख्सियतें अजीम पैदा हुई हैं हिंद में, जिनको मैं समझता हूं कि 14वीं सदी के मुजद्दिद और 15वीं सदी के मुजद्दिद के दरमियान, ये 15वीं सदी के मुजद्दिद की राह को सीधा करने वाले, जैसे कि हजरत याहिया ने कहा था मैं तो आने वाले का रास्ता सीधा कर रहा हूं हजरत ईसा के लिए, ऐसे ही 15वीं सदी के लिए इमाम महदी के लिए रास्ता साफ करने वाले सबसे पहले अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इस्लाम का तसव्वुर दीन की हैसियत से दोबारा जिंदा किया है, वरना इस्लाम एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। फिर मौलाना मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुकूमत इलाहिया के नारे के साथ मैदान में आए। ये इकबाल ने जो तसव्वुर पेश किया था उस पर अमली जिद्दोजहद के लिए हिजबुल्ला कायम हुई। नोट कर लीजिए 11 बरस का फर्क है उम्र का अल्लामा इकबाल के और अबुल कलाम के, और 1913 में जब हिजबुल्ला कायम किया उस वक्त अल्लामा इकबाल की मिल्ली शायरी अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। फिर यह कि अल्लामा इकबाल के बाद ताबील जो है इस काम की वो अबुल कलाम ने की, लेकिन रिवायती उलमा ने की शदीद मुखालफत की वजह से वो बदनील होकर छोड़ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, बिसात जो है हिजबुल्ला की उन्होंने लपेट दी। फिर मौलाना मौदूदी आए, उन्होंने वो डोर जो है उसका सिरा थामा, जमात इस्लामी कायम की हुकूमत इलाहिया ही के क्याम के लिए, अगरचे मेरे नजदीक ये कि वो इंतखाबी और एक कौमी सियासत की एक जमात बनकर पाकिस्तान में जो है दलदल में फंस गई है, अब हम उसकी कोशिश कर रहे हैं तंजीम इस्लामी और ये तहरीक खिलाफत जिसके तहत ये जलसा हो रहा है, ये सारी चीजें वो हैं कि आपको सिवाय पाकिस्तान के और कहीं नहीं मिलेंगी पूरी दुनिया में। मालूम होता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है इसमें, और इसके साथ अब जमा कर लीजिए अफगानिस्तान की इमारत अफगानिस्तान, इस्लामी इमारत अफगानिस्तान कायम हो चुकी है, ये पिछले 20 सालों में जो कुछ वहां होता रहा है उससे पहले तसव्वुर नहीं हो सकता था। अल्लामा इकबाल के फर्जंद भी देखकर आए हैं, तो अगरचे वो खुद मैं समझता हूं कि खासे उन्हें आप लिबरल कहें आजाद ख्याल कहें, लेकिन इस दर्जे मुतासिर होकर आए थे कि उन्होंने ये कहा अफगानिस्तान में जो मैंने हालात देखे हैं कि अगर 2-4 और मुसलमान मुल्कों के अंदर यह निजाम कायम हो जाए तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये आने वाले दौर की झलकियां हैं, कमिंग इवेंट्स आर कास्टिंग देयर शैडोज बिफोर, ये सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलकर इसमें कोई अजीम रोल प्ले करना है। और इसके जिम्मन में अब मैं अल्लामा इकबाल के बारे में आखिरी बात कह रहा हूं। अल्लामा इकबाल के बारे में आम ये ख्याल है, उन्होंने अपने खुतबात में मेहदी का और नज़ूल मसीह का, हालांकि मैं कल पढ़ रहा था मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मकाला उनका, के अल्लामा इकबाल ने इब्ने खलदून के बारे में ये कहा है कि मेहदी का और नज़ूल ईसा का दोनों का उन्होंने इनकार किया है, हालांकि इब्ने खलदून ने नज़ूल ईसा का इनकार नहीं किया, सिर्फ मेहदी का इनकार किया है। बहरहाल अल्लामा इकबाल ने खुतबात में इनकार किया है, लेकिन यह कि अपनी शायरी के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं किसी बड़े से बड़े इकबाल शनास को, उनका यह शेर जरा सुनिए, खिजर वक्त अज खलवते दश्ते हिजाज आयद बरूं, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयद बरूं। खिजर वक्त, इमाम वक्त, रहनुमाए वक्त, कायदे वक्त, खलवते दश्ते हिजाज, हिजाज की सेहरा की किसी खलवत गुदीनी से निकलकर बाहर आएंगे। मैं हैरान होता हूं अल्लामा के इस फिक्र पर और इस मिसरे पर। यहां उन्होंने शिया और सुन्नी दोनों के कॉन्सेप्ट जमा कर दिए। शिया का कॉन्सेप्ट यही छुपे हुए किसी कार में वहां से बरामद होंगे, और हमारा कॉन्सेप्ट में उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला की हदीस सुना चुका, छुपे हुए होंगे वो वहां पर, मदीने से निकलकर आकर मक्के में छुप जाएंगे। उस खाना जंगी की हालत में लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे, सोचते होंगे इन्हें मैदान में आना चाहिए, कोई पार्ट प्ले करना चाहिए, उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन वो छुपेंगे, वो कारे होंगे, वो इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना चाहेंगे, जाके छुप जाएंगे मक्के में, वहां से मक्के वाले उन्हें निकालेंगे और वो कारे होंगे, उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं होगा कि जिम्मेदारी उठाएं। तो खिदर वक्त खलवते दश्ते हिजाज आयत बरूं, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरूं, कारवां जो चलेगा उनकी मदद के लिए इस वादिये दूरो दराज, इस जी
عظیم وادی دور و دراز یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے, سندھ اور پنجاب نہیں, افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے, جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے, جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے, دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے, ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے, یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے, ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان, یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ دو حصے ہیں, ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو, کارواں چلے گا یہاں سے, یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی یعنی سلطان ہی, مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی, اور یخرج من خراسان رایات و سود, اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا, حتیٰ تن سبب ایلیا, یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے. حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی, جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی, اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے, جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا, مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی, شدائد آئیں گے, لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر.